ये हमारे स्मॉल ग्रेन सीरियल होते हैं। मिलेट आर स्मॉल ग्रेन सीरियल, स्टेपल फूड इन ड्रायर रीजन फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज आर कॉल्ड मिलेट। ये देखो जनरली जो सीरियल होते हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज में ग्रो की जाते हैं, जहाँ पे बहुत सॉइल प्रॉपर कंडीशन में होती है वहाँ ग्रो की जाती है, और जो लार्जर ग्रेन होते हैं वहाँ ग्रो की जाती है, जबकि मिलेट जो होती है वो स्मॉल ग्रेन होती है और ये डेवलपिंग कंट्रीज में ग्रो की जाती है, ठीक है। और ये पुअर कंडीशन ऑफ सॉइल जो होती है उसको ग्रो वहाँ ग्रो की जाती है। और जैसे पर्ल मिलेट इसका अच्छा एग्जाम्पल है, इज़ अ स्टेपल फूड ऑफ राजस्थान। पर्ल मिलेट इज़ अ स्टेपल फूड ऑफ राजस्थान। फिर उसके बाद है हमारा मिलेट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू मेजर मिलेट एंड माइनर मिलेट। मिलेट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू मेजर मिलेट एंड माइनर मिलेट। मेजर मिलेट में क्या क्या है हमारा, सॉर्गम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट। और माइनर मिलेट में क्या है, फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, कॉमन मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोदो मिलेट, ठीक है। ये हमारे आते हैं माइनर मिलेट में, और ऊपर वाले आते हैं मेजर मिलेट में, समझ आया। देखो फिर इसके बाद मैं पल्सेस, आज ये सबका सबका डायग्राम के साथ देखा जाएगा, बहुत मजा आने वाला। देखो मेजर मिलेट में एग्जांपल याद रखना है कि मेजर मिलेट के अंडर क्या आता है और माइनर मिलेट के अंडर क्या आता है। जैसे कि सॉर्गम इज मेजर मिलेट, पर्ल मिलेट इज मेजर मिलेट एंड फिगर मिलेट, और रागी इज मेजर मिलेट। इसका साइंटिफिक नेम्स भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी हमें नॉर्मल जनरल नेम तो पता रहता है, बट साइंटिफिक नेम ना पता होने की वजह से गलत हो जाता है, ठीक है। ये हो गया मेजर मिलेट, ये माइनर मिलेट। और पल्सेस देख लेते हो थोड़ा सा। सीड्स ऑफ अ लेग्यूमिनस प्लांट यूज्ड एज फूड रिच इन प्रोटीन। जो रिच इन प्रोटीन जो दाल यूज होती है वो पल्सेस होती हैं, लेग्यूमिनस होता है। और द वेस्टेज ऑफ स्टॉक इज कॉल्ड द हॉम और स्टोवर। और जो इसका स्टॉक का वेस्ट होता है उसको हॉम या स्टोवर कहते हैं। हॉम इज यूज एज ए ग्रीन मेन्यूर एंड हैज अ हाई वैल्यू ऑफ कैटल फीड। इसके कैटल फीड के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ये ग्रीन मेन्यूर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ग्रीन पॉट्स यूज्ड एज वेजिटेबल, और इसकी ग्रीन पॉट सब्जियों के लिए इस्तेमाल की जाती है, फॉर एग्जाम्पल काउपी, लबलब। सीड कोट ऑफ पल्सेस आर न्यूट्रिशियस कैटल फीड। सीड का जो कोटिंग होता है पल्सेस का वो न्यूट्रिशियस होता है कैटल फीड के लिए, ठीक है। अब इसके डायग्राम्स देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है आगे। ये देखो आइडेंटिफाई करिए आप खुद कि ये क्या है क्या नहीं है, बताओ क्या है। ये क्या है भाई, ये हमारा है सॉर्गम का पैनिकल, सॉर्गम का पैनिकल, सॉर्गम का ग्रेन। उसका उसका प्लांट भी देखिए और उसका ग्रेन भी देखिए कैसा होता है। ये सॉर्गम का ग्रेन है ऊपर वाला, फिर नीचे बाजरा है और ये बाजरा की बाली है, ठीक है। ये बाजरा है, ये बाजरा का स्पाइक, बाजरा का प्लांट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये हमारा क्या है, ये है हमारा फिंगर मिलेट है, ठीक है। ये हमारा देखो फिंगर जैसे, इसको तुरंत आइडेंटिफाई किया जा सकता है इसकी, जब इसको आप देखोगे ना तो देखो फिंगर जैसा लग रहा है ना स्ट्रक्चर थोड़ा सा, तो ये फिंगर मिलेट है, इसी के आधार पे इसका नाम ही रखा गया है। और ये देखो फॉक्स टेल मिलेट, इसको देखोगे आप, इसका ये देखोगे ना इसको भी आपको समझ में आएगा। देखो फॉक्स की टेल जैसे होती है वैसा है ना इसका स्ट्रक्चर इसका, तो वो इसी के आधार पर इसका नाम भी है फॉक्स टेल मिलेट। और इसका ग्रेन भी याद रख लो, ध्यान में रखेंगे तो आसानी से याद करने में ना इजी हो जाता है। फिंगर टेल मिलेट का ध्यान में रख लो, फॉक्स टेल मिलेट का ध्यान में रख लो। ये सब हम लोग तो बस नाम ही सुने, आँख से तो कभी देखी नहीं, हम तो नहीं देखे। फिर देखो ये क्या है, ये हमारा कॉमन मिलेट है, ये हमारा कॉमन मिलेट है, ये बार्नयार्ड मिलेट है, ये वीड भी होता है, पता है ना बार्नयार्ड ग्रास, इन वीड में पड़ा होगा कभी, बार्नयार्ड ग्रास होता है तो यही है, ठीक है। ये सब मिलेट है, ये हमारा कॉमन मिलेट ऊपर वाला, नीचे वाला बार्नयार्ड मिलेट है। इसका देख लो प्लांट यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे इसके ग्रेन्स दिए हैं, इसको ध्यान से देख लो समझ लो, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा कोदो मिलेट, या इसको पैसपैलम स्कॉर्बिकुलेटम इसका साइंटिफिक नेम है। और ये कोदो मिलेट का देखो ये इसका ये क्या बोलते हैं, इसका ग्रेन है और इसका ये प्लांट है, ध्यान से देख लो अच्छे से। और अब देखते हैं, अब ये यहाँ पे पल्सेस स्टार्ट हो जाती है। पल्सेस ये देखिए ना रेड रेड, हमको ना अपने घर पे हमेशा देखते थे कि ये पल्सेस, लेकिन ये रेड इसका नाम क्यों, इसको रेड रेड ग्राम क्यों बोलते हैं भाई, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। लेकिन सारी दाल तो एक ही जैसे दिखती है अंदर से, लेकिन बाहर से तो, लेकिन फिर अब हमें ना आपको डायग्राम बताते हुए मुझे भी ये पता चला कि इसका नाम रेड इसीलिए है क्योंकि जब ये होल ग्रेन के फॉर्म में होता है तो ये रेड दिखता है। देख लो यहाँ पे, मुझे भी अभी क्लियर हुआ है, मुझे भी नहीं मालूम था रेड अभी हुआ, और फिर इसको जब हम लोग स्प्लिट कर देते हैं तो ये ऐसा दिखने लगता है, लेकिन जब वो पूरे होल स्ट्रक्चर में रहता है तो ये ऐसा दिखता है रेड, इसलिए इसका नाम रेड ग्राम है, ठीक है।
जिसको कहते हैं अरहर। देखो रेड ग्राम, कजानस कजान, ब्लैक ग्राम, विग्ना मूंगो, ग्रीन ग्राम, विमा रेडी आटा, काउपी, विग्ना अनग्यूक्यूलाटा, बंगाल ग्राम, हॉर्स ग्राम, लेंटिल, सोयाबीन पी, गार्डन पी, लथारिस, ये सब क्या है? पल्सेस है। फिर इसके बाद ऑयल सीड है। दोज क्रॉप्स विच आर रिच इन फैटी एसिड्स आर कल्टिवेटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ वेजिटेबल ऑयल। दे आर यूज आइदर फॉर एडिबल और इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल पर्पज। समझ आया कि जो फैटी एसिड में रिच हो और वो वेजिटेबल के प्रोडक्शन के लिए भी हो सकती है, वो इंडस्ट्रियल या मेडिसिनल पर्पज के लिए भी हो सकती है, वो उनका ऑयल मोस्टली कंज्यूम किया जाता है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स ग्राउंडनट, सीसम, सनफ्लावर, कैस्टर, लिनसेड, नाइगर, सेफला, रेपसीड, सरसों। अब इसमें कौन कौन सा एडिबल है, कौन सा नॉन एडिबल है? देखो ये एडिबल है ग्राउंडनट, सीसम एडिबल है, सनफ्लावर एडिबल है, कैस्टर इज नॉन एडिबल, लिनसेड इज नॉन एडिबल, नाइगर नॉन एडिबल, सेफ्लावर एडिबल है, रेपसीड एडिबल है, सरसों एडिबल है। ठीक है, इसमें तीन नॉन एडिबल थे। याद रखना कि कौन एडिबल है, कौन नॉन एडिबल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ ये देखो, अब ये क्या है भाई, ये हमारे ग्राम्स के डायग्राम चल रहे हैं ना, तो उसी का एक ये हिस्सा है। अभी हम लोग रेड ग्राम का इमेज देखे। देखो हम जब अपने घर पे देखते थे ना कि यार ये ब्लैक ग्राम किस आधार पे कह रही, तो दिखता तो व्हाइट व्हाइट है मेरे घर पे, लेकिन जब इसको फुल ग्रेन में देखो तो देखो ये ब्लैक दिख रहा है। देन इसी के आधार पर इसका नाम रखा है कि ये ब्लैक ग्राम है। वैसे देखो जब ग्रीन ग्राम को देखेंगे ना तो ये ऐसा दिखता है, लेकिन हमारे घर पे तो ऐसा आता है। बहुत प्रॉब्लम है, समस्या है समझने में, लेकिन अब नहीं होती है मैं कोई समस्या। ये ग्रीन ग्राम है, ये ब्लैक ग्राम है, इसका स्प्लिटिंग दाल, स्प्लिटेड दाल ऐसे है, इसका स्प्लिटेड दाल ऐसे है। फिर इसके बाद ये काउपी है। काउपी का तो हम ये देखे थे, इसकी वेजिटेबल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। इसका सीड भी हम देख रहे हैं, अच्छा ही है, सीड है इसका, ये भी ध्यान में रखना। और ये लेंटिल है, ये तो लेंटिल है हमारा, ठीक है, लेंटिल पता है ना, लेंटिल, लेंस एस्क्यूलेंटा। और ये क्या है भाई, ये क्या है, ओह एक मिनट, हाँ ये क्या है, हॉर्स ग्राम है। ये क्या है, हॉर्स ग्राम है, पता चला, हॉर्स ग्राम, पता नहीं हॉर्स ग्राम इसको क्यों कह रहे हैं, ये तो हमको नहीं समझ में आया, लेकिन ये हॉर्स ग्राम है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे ये क्या है, ये सीसम है, ब्लैक सीसम, व्हाइट सीसम, दो टाइप की होती है ना। तो अब यहाँ पे अगर आप ऑयल सीड स्टार्ट करेंगे तो इसके भी इमेजेस को देख लो, ये ब्लैक सीसम है, व्हाइट सीसम है। ठीक है, फिर यहाँ पे सनफ्लावर है, सनफ्लावर की सीड भी देख लो ऐसी होती है, सनफ्लावर का फ्लावर तो सभी ने देखा है। सैफ्लावर, ये सैफ्लावर का फ्लावर है, अच्छा लग रहा है ना, डेकोरेशन के लिए भी अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। और ये क्या है, इसकी सीड है ये सैफ्लावर की, ये सैफ्लावर का सीड है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा क्या है भाई, ये नाइगर है, NIGER, नाइजर। ठीक है, ये कैस्टर है, ये कैस्टर की सीड है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं था, मैंने पहली बार देखा कैस्टर की सीड ऐसी होती है, नाइगर की सीड ऐसी होती है। और फ्लैक्स, फ्लैक्स सॉरी इसका नाम क्या था, फ्लैक्स, फ्लैक्स लिनसिड, सॉरी लिनसिड की सीड ऐसी होती है, फ्लैक्स रस्ट, फ्लैक्स रस्ट याद आ रहा है, लिनसिड की सीड ऐसी होती है। और ये सरसों, सरसों की सीड ऐसी होती है, ये तो देखे थे, ये तीनों नहीं देखे थे, देख लिए, चलो आगे। अब आते हैं हमारे शुगर क्रॉप्स पे, सारे इमेजेस देख लिए ना आप, अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। फिर शुगर क्रॉप्स अगर हम देखें तो, क्रॉप्स कल्टिवेटेड फॉर शुगर, जूस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टेम ऑफ शुगर केन, यूज्ड फॉर जैगरी ऑफ शुगर, नंबर ऑफ बाय प्रोडक्ट लाइक मोलासेस, बैगेसेस, प्रेस मड, ETC इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, समझ आ रहा है ना, बैगेसेस, मोलासेस, प्रेस मड, ये सब ऑब्टेन किया जाता है, जैगरी बनाई जाती है शुगर क्रॉप से, मोलासेस यूज्ड फॉर अल्कोहल एंड ईस्ट फॉर्मेशन, और जो मोलासेस है उसका अल्कोहल और ईस्ट फॉर्मेशन में भी यूज़ किए जाते हैं, और बैगेसेस से पेपर मेकिंग और फ्यूल मेकिंग बनाते हैं, प्रेस मड यूज्ड फॉर सॉइल अमेंडमेंट की जाती है। ठीक है, और इसका जो ट्रैश होता है वो कैटल फीड में यूज़ होता है। शुगर बीट एक दूसरा और शुगर क्रॉप्स है जिसका कि ट्यूबर मेनली यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर के लिए। ठीक है, समझ आया। फिर ट्यूबर एंड टॉप्स आर यूज्ड एज फॉडर फॉर कैटल फीड, ट्यूबर्स और टॉप्स उसके कैटल फीड के लिए यूज होता है। शुगर केन का साइंटिफिक नेम सकैरम ऑफिसिनैरम, शुगर बीट का बेटा वल्गैरिस। अब ये सब ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, जब इसका हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो तुम पूरा जानेंगे व्हाट इज शुगर केन, व्हाट इज शुगर बीट, ये ऐसे। लेकिन अभी सिर्फ ऊपर से क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो कितना
जानेंगे। फाइबर क्रॉप्स प्लांट्स आर ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग फाइबर। डिफरेंट टाइप है, सीड फाइबर होता है, कुछ स्टेम फाइबर होता है, कुछ लीफ फाइबर होता है। हमें इसका एग्जाम्पल याद रखना है कि सीड फाइबर कौन है, स्टेम फाइबर कौन है और लीफ फाइबर कौन है। स्टेम और बास्ट फाइबर जूट एंड मेस्टा, सीड फाइबर इज कॉटन एंड लीफ फाइबर इज अगेवन पाइनएप्पल। ध्यान रहे। फिर कॉटन, अरे फिर इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप ऑफ वर्ल्ड यूज फॉर गारमेंट परपेज। ठीक है, कॉटन जो है इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप फॉर पूरे वर्ल्ड में यूज की जाती है फॉर गारमेंट पर्पज के लिए। फिर फॉर्डर एंड फॉरेज है, फॉर्डर है और फॉरेज है। ये क्या होता है, इट रिफर्स टू वेजिटेटिव मैटर फ्रेश और प्रिजर्व यूटिलाइज एज फीड और एनिमल्स। ये क्या होती है, ये वेजिटेटिव मैटर होती है जो कि फीड करने के लिए एनिमल्स को यूज की जाती है, जो कि इसका हम लोग साइलेज, पास्चुरेज और फॉर्डर हे जैसा बना करके भी इसको फीड करा सकते हैं एनिमल को। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो ग्रासेस हो गया, बाजरा, नेपियर ग्रास, ग्यूनिया ग्रास, फॉर्डर सॉर्गम, फॉर्डर मेज, ये सब ग्रेन्स भी है। ये सब ग्रेन के अंदर भी, इसका ग्रेन हम लोग यूज करते हैं लेकिन इसका लीव्स, इसका वेजिटेटिव पोर्शन हम लोग फॉर्डर और फॉरेज परिज के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रहे। फिर लेग्यूम्स भी हो गए, लेग्यूम्स भी हम लोग देते हैं, लूसर्न, डिसमैंथस। फिर स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स अगर हम देखें तो प्लांट क्रॉप आर देयर प्रोडक्ट्स यूज फॉर फ्लेवर टेस्ट एंड एड कलर टू द फ्रेश प्रिजर्व फूड। जो फ्लेवर देता हो, टेस्ट देता हो, कलर देता हो प्रिजर्व फूड या किसी भी फूड को, दैट कम्स अंडर स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल जिंजर, गार्लिक, फेनिग्रिप, क्यूमन, टर्मरिक, चिल्ली, अनियन, कोरिएंडर, एनाइस, एस्फेटोरिया, सब कुछ आता है। ठीक है, अभी हम लोग इसका पूरा डिटेल एकदम इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं, एकदम एक एक को अंदर से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत मजा आएगा। मेडिसिनल प्लांट्स, क्रॉप प्लांट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, एग्जाम्पल टोबैको एंड मिंट। ओके, फिर बेवरेजेस क्या है, बेवरेजेस प्रोडक्ट्स ऑफ अ क्रॉप यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ माइल्ड एग्रीएबल एंड सिमुलेटिंग ड्रिंकिंग। बेवरेजेस क्या होता है, बेवरेजेस पेय पदार्थ, इसको हिंदी में कहते हो भाई, सब समझ आ रहा है, पेय पदार्थ होता है मतलब पीने वाली कोई चीज। उसका क्या है भाई, देखो टी को आप टी जानते हैं आप, वो होता है क्या होता है, क्वीन ऑफ बेवरेजेस होती है, और कॉफी किंग ऑफ बेवरेजेस होता है। पता है कितने किंग क्वीन को एक साथ रखो, याद रहेगा। ठीक है, ऐसे याद हो गया ये। चलो हाँ, नेक्स्ट में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वॉचिंग करते रहो, वीडियो को पढ़ते रहो अच्छे से। थैंक यू सो मच।